मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग। पहले तो मैं बहुत बहुत थैंक बोलना चाहूंगा सत्यकार जी को कि आपने एक बहुत बढ़िया टीम बिल्डिंग का जो स्लोगन दिया। हमको आपको करना ये है, नंबर वन तो सोच अगर रखनी है तो रिचर्स सोच रखनी है कि रिचर्स लोग क्या करते हैं और वो जो करते हैं अगर उसको फॉलो करेंगे तो हम भी उस रास्ते पे जा सकते हैं। दूसरी चीज है कि हमको सेल्फ इम्पोज कोटा फिक्स करना पड़ेगा अपने लिए। आप देख लीजिए कि जो लोग पढ़ाई में थे, स्कूल में एडमिशन लिए, कोई 35% से पास हुआ तो कोई 45% से पास हुआ तो कोई 60% से पास हुआ तो कोई 80% से पास हुआ तो कोई 99% भी लाया। वो 99% लाने वाला क्यों लाया? क्योंकि वो अपने लिए सेल्फ कोटा इम्पोज किया था अपने लिए कि हमको इस कैटेगरी में आना है, तब जाके वो आया। और उसने अपनी संगत भी ऐसे लोगों के साथ में रखा, और 60 वाले के साथ में रखा, 70 वाले के साथ में रखा, 90 वाले के पास में रखा, और उसके ऊपर उनके पेरेंट का मार्गदर्शन भी रहा। तो हमारे पास सब चीज है। एज ए पेरेंट हमारा मैनेजमेंट हमको सपोर्ट कर रहा है, कंपनी सपोर्ट कर रही है प्रोडक्ट के रूप में, सिस्टम के रूप में, लेकिन हम कहां काम कर रहे हैं? हमको सेल्फ कंटेम्पलेशन करना पड़ेगा, स्वयं में सोचना पड़ेगा कि मैं किस लिए आया था और क्या कर रहा हूं। दोस्तों, जब तक हमारा आपका टीम बिल्ड नहीं होगी, जब तक हमारा नेटवर्क नहीं बनेगा, आप सभी लोग जानते हैं नेटवर्क इज द नेटवर्क। अगर हमारे पास नेटवर्क नहीं है तो हमारा कुछ भी वैल्यू नहीं है, कुछ भी हमारी कीमत नहीं है। कीमत तब है जब हमारे पास नेटवर्क है, और वो भी जैसा सत्यकार जी ने कहा कि हमको ऐसे जाबाज सिपाही चाहिए अपने पीछे, अपनी जाबाज फौज चाहिए। आज हम वो जो बिलीफ सिस्टम हमारा है, वो बिलीफ सिस्टम हमको खुद को नहीं है तो हम दूसरों को बिलीफ कैसे दिला सकते हैं? तो पहले बिलीफ अपने अंदर लाइए कि हम जहां पे हैं राइट वर्क कर रहे हैं, राइट सिस्टम पे हैं। अगर आपको ये लगता है कि ये काम करना अच्छा नहीं है तो आज ही क्विट कर दीजिए। अगर आपको लगता है